क्या आप जानते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के तीन लोग अपने ही पेशाब में डूब गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर उस दिन किसी पर रहम करता तो एक औरत पर रहम करता जो बच्चे को लेकर भाग रही थी, कोई पनाह की जगह मिले और मैं बच जाऊं। और वह भागते भागते एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ी जिससे ऊंचा पहाड़ कोई और नहीं था। पीछे से पानी आया, उसने पहाड़ को जो डुबोया, फिर उसके पांव पर चढ़ा, फिर उसके सीने पर आया, फिर उसने बच्चे को ऊपर किया, फिर उसकी गर्दन तक आया तो उसने यूं अपने बच्चे को अपने सर के ऊपर कर लिया। उसने सोचा होगा कि शायद मेरा बच्चा बच जाए, पर पानी की मौज ने न बच्चे छोड़े, न बड़े, न बूढ़े, सबको डुबो कर कर रख दिया। यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सामने गर्क कर दिया। तीन आदमी एक गुफा में छिप गए और ऊपर से पत्थर रख लिया कि यहां पानी नहीं आएगा। चारों तरफ जो पानी का तमाशा देखा तो अंदर बैठ गए। थोड़ी देर में तीनों को तेज पेशाब आया और बेकरार होकर पेशाब करने बैठे। उन्होंने जब पेशाब को जारी कर दिया और वे पेशाब करते करते अपने ही पेशाब में गर्क होकर मर गए। जो काम नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी वही काम आज हो रहे हैं, सारी दुनिया में हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर अपना रहम फरमा, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।